देखिए दोस्तों, झूरी बनाने के लिए हम ये लिए हैं बेसन 100 ग्राम, और लिए हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट लिए हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल रहे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छा से पेस्ट बना लें। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं घोलने के लिए, इसको अच्छी तरह से मिला करके घोल बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा झूरी का घोल भी तैयार हो गया है, और झूरी बनाने के लिए ये कर्मी का साग लिए हैं, ये भी धो धा कर तैयार कर लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं, अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं कर्मी का झूरी। ये है कर्मी का पत्ता, इससे हम बनाने जा रहे हैं। ये बेसन जो मिलाए थे हम, उसमें हम इसको मिला रहे हैं अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, अब इसका कलर चेंज हो चुका है, अब इसको हम पलट ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब ये झूरी बनके तैयार हो गया है, अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कर्मी साग का झूरी बनाए हैं हम। इस झूरी को देख करके आप बताएं कि यह झूरी देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा लगेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।